सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय कृष्णा स्टूडियो चैनल। तो एक बार फिर से आप लोग हमारे चैनल पर एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ वेलकम है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, हम आज आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरीके से परसेंटेज टाइपोग्राफी इफेक्ट्स क्रिएट करना बताएंगे, कैसे आप लोग इस इफेक्ट्स को आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। अब देखिए, यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमको न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद कंपोजिशन नाम, आप चाहे तो कंपोजिशन का जो नेम है इसको चेंज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं परसेंटेज काउंटर, और इसके बाद जो विड्थ है यहाँ पे प्रीसेट में 1920 और हाइट में 1080 रखेंगे, और फ्रेम रेट 30 रखेंगे, और यहाँ पे ड्यूरेशन 10 सेकेंड, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इसके बाद ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे आना ऊपर टेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर टूल बार में, और ये रहा रेक्टेंगल टूल, इस पर हमको अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है इस तरीके से, और यहाँ से हमको एलिप्स टूल को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको आना है फिल में, और फिल में हमको लेना है नॉन, सब जो फर्स्ट ऑप्शन है नॉन, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक में हमको आना है, इस पर क्लिक करेंगे, और हमको यहाँ पर सॉलिड कलर जो सेकेंड ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ से हमको कलर पर क्लिक करना है, हम यहाँ पर लाइट ग्रे कलर चूज करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे। और यहाँ पे जो पिक्सल है, जो स्ट्रोक का साइज, यहाँ पे हम 150 पिक्सल रखेंगे। इसके बाद हमको शिफ्ट के साथ यहाँ पे ड्रैग करना है, इस तरीके से ड्रैग करेंगे शिफ्ट के साथ। इसको ड्रैग करने के बाद हमको इसको अलाइनमेंट करना है, हम आएंगे राइट साइड में, ये अलाइनमेंट पे हम आएंगे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली, और फिर इसके बाद यहाँ से वर्टिकली अलाइनमेंट कर लेंगे। अलाइनमेंट करने के बाद हम अब फिर से ये जो शेप है इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे कंट्रोल डी से। अब जो शेप लेयर टू है इसके कलर को हमको चेंज करना है, तो हम आएंगे यहाँ पे जो स्ट्रोक में जो कलर है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस टाइप का हम कलर, आप चाहे जो भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद ओके कर लेंगे। अब हमको इसको ओपन करना है। अब कंटेंट में देखेंगे यहाँ पे ऐड जो है, इस पर क्लिक करेंगे हम ऐड पे, और यहाँ से हमको ट्रिम पाथ ले लेना है। इसके बाद ट्रिम पाथ को हम ओपन करेंगे, और जो इंड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंड को हमको यहाँ पे जीरो करना है, हिट इंटर करेंगे, और इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे, और करंट टाइम इंडिकेटर को हम लेकर आएंगे 4 फ्रेम नेक्स्ट, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, और इसके बाद फिर इसमें हम फिल कर देंगे 100। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे किस टाइप से हमारा यहाँ पे एनिमेशन प्ले होगा। तो अब ये जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्नर है, इसको हमको राउंड शेप देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो स्ट्रोक वन है इसको ओपन करेंगे, और यहाँ से बट कैप को हम चेंज करके यहाँ से कर देंगे राउंड कैप, तो देखेंगे यहाँ पर राउंड शेप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम इस दोनों राउंड, इस जो डायमंड शेप है दोनों को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे, और ईजी ईज कर देंगे यहाँ से। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से हमारा एनिमेशन अब प्ले होगा। अगर आप फास्ट करना चाहें तो इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तो और हमारा जो एनिमेशन है और फास्ट प्ले होगा इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर है कितना फास्ट रखना है कितना नहीं। तो हम फिलहाल इसको अनडू कर लेते हैं इस तरीके से, 4 फ्रेम पर ही रखेंगे। अब हम इसको बंद कर लेंगे। अब हम आएंगे ऊपर, यहाँ पर टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और हमको देखेंगे यहाँ करेक्टर में आएंगे, और यहाँ से हमको फॉन्ट्स चूज करना है डीएस डिजिटल, इस तरीके से हम टाइप करेंगे डीएस डिजिटल बोल्ड। आप भी इसको नेट से माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉन्ट को, डीएस डिजिटल फॉन्ट्स। इसके बाद हमको यहाँ पर ड्रैग करना है, इस तरीके से ड्रैग करने के बाद हम टाइप कर लेंगे 0, इस तरीके से टाइप करेंगे। और इसके बाद हमको यहाँ पर बिल्कुल इसके एजेज को अलाइनमेंट कर लेना है। अब हम अपना टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे माउस से, हमको आना है पैराग्राफ में, यहाँ से बिल्कुल सेंटर कर लेंगे, फिर हम आएंगे अलाइन में, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल अलाइनमेंट करके सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। अब हम फिर से ये जो जीरो लेयर है इसके ऊपर हमको एक इफेक्ट्स को लेकर आना, तो हम आएंगे इफेक्ट्स प्रीसेट में, यहाँ पर हमको टाइप करना स्लाइडर कंट्रोल, ये स्लाइडर कंट्रोल, इसको हम ड्रैग करके 0 लेयर रख देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे स्लाइडर कंट्रोल नाम से इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 0 लेयर पे। अब इसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद टेक्स्ट को हम ओपन करेंगे, और इसको हमको 0 फ्रेम पर लेकर आ जाना है करंट टाइम इंडिकेटर को, और जो सोर्स टेक्स्ट है इसके स्टॉप वॉच पर हमको ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। तो यहाँ पर पिक व्हिप देखेंगे, ये ओपन हो जाएगा। पिक व्हिप को हमको अब स्लाइडर से टच कर देना है यहाँ पर। इसको टच करने के बाद देखेंगे यहाँ पर इंप्रेशन टेक्स्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से भी एनिमेशन हमारा प्ले हो रहा है। तो हमको जो शेप लेयर टू है इस पर हमको क्लिक करना है यू, जिससे कि ये हमारा दोनों की यहाँ पर शो हो जाए। अब हमको फिर से सेलेक्ट कर लेना 0 लेयर, यहाँ पे हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, और इसको हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल अपने फ्रेम पे, यहाँ जहाँ हमने इस डायमंड को ऐड किया हुआ है,
और हमको यहाँ पे फिल कर देना है 100। अब हम अपने एनिमेशन को प्ले करेंगे, तो देखेंगे हमारा एनिमेशन अब प्ले हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन अब जो पीछे दशमलव में आ रहा है इसको हमको चेंज करना है, इसको हमको करना है परसेंटेज में। तो हम यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंप्रेशन में हमको टाइप करना होगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद प्रेस करेंगे डॉट वैल्यू वैल्यू, इसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर से डॉट लगाएंगे, टू फिक्स्ड लिखेंगे, टू फिक्स्ड नीचे देख सकते हैं आप इस पर, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है टू फिक्स्ड पे फिर से इंटर करेंगे और फिर अपने कर्सर को बाहर लेकर आएंगे। बाहर आने के बाद स्पेस बार प्रेस करेंगे, फिर प्लस ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से शिफ्ट के साथ कॉमा प्रेस करेंगे, तो देखेंगे इस तरीके से दो कॉमा ऐड होंगे और इसके बीच में हमको शिफ्ट के साथ 5 यानी कि परसेंटेज ऐड कर देना है। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे हमारा बिल्कुल अब इस तरीके से एनिमेशन प्ले होगा, यहाँ पर परसेंटेज काउंट होगा। तो आप लोग इस तरीके से ये इफेक्ट्स आफ्टर इफेक्ट में बना सकते हैं। तो ये आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।